कुछ दिनों पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप लोग मुझे किन ड्रेसेस में देखना चाहते हैं. आई वॉन्टेड टू डू, बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग सा है कि आई ड्रेस्ड लाइक फूड आइटम्स, ड्रेस लाइक पत्ती और जो भी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आई शुड डू अ वीडियो वेयर आई कुड ड्रेस एज लाइक फ्लावर्स और लाइक बर्ड्स, बिकॉज बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं और मॉनसून टाइम चल रहा है. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं फ्लावर्स या फिर बर्ड्स की तरह ड्रेसअप करूँ, बहुत वाइब्रेंट कलर रहते हैं उनके. तो यस, अकॉर्डिंगली मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली कि वॉट शुड आई डू, लाइक शुड आई ड्रेसअप लाइक बर्ड और शुड आई ड्रेसअप लाइक फ्लावर. सो मोस्ट पीपल हैव वोटेड फॉर फ्लावर्स, ऑल्दो आई वॉन्टेड सीरियसली टू ड्रेस अप लाइक बर्ड, बिकॉज बर्ड में बहुत सारे कलर्स थे जो भी मैंने बर्ड्स देखे, और स्पेशली मानसून टाइम में रेन के नीचे ऐसे बहुत प्यारे प्यारे फोटोग्राफ्स थे. मैं यहाँ पर पोस्ट करती जाऊँगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ट्राई आउट करूँ उससे रिलेटेड. लेकिन नंदलेस, क्योंकि इंस्टाग्राम फैमिली ने मुझे बोला था फ्लावर्स, तो जी हाँ, फ्लावर्स के ऊपर मैंने ट्राई आउट करा. सो आई ड्रेस्ड अप लाइक फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लिए मैंने और बहुत प्यारे सुंदर से अच्छे से फ्लावर्स लिए, जो कि मॉनसून टाइम के हिसाब से उनके फोटोग्राफ्स क्लिक हुए हैं, उसी हिसाब से लिए हुए हैं. तो कैसे मैंने ये वाला वीडियो तैयार करा है, क्या क्या शूटिंग में प्रोसेस रही है मेरी, ये पूरा इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में. आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक ऑल द पार्ट. एंड पार्ट में मैं फोटोग्राफ शेयर करूँगी, जो मैंने रील्स बनाए हुए हैं, वीडियोज़ बनाए हैं, वो स्पेशली रहेंगे इंस्टाग्राम के लिए. तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके आप फॉलो करिएगा, और फोटोज़ एंड पार्ट में रहेंगे. लेकिन जो प्रोसीजर है इस वीडियो में, आप पूरा का पूरा वो प्रोसीजर देखिए, क्योंकि मेन जो फंक्शन है ना, वो देखने में भाई ज़्यादा मज़ा आता है. तो BTS है ये, तो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक. और कुछ टिप्स भी दूंगी मैं इस वीडियो के टाइम में, तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे चीज़ों में इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए. आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक ऑल द एंड प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना. चलिए देखते हैं. सो मैं ना सोच रही हूँ कि ये जो है ना बैकड्रॉप में डालूंगी, लेकिन ये बहुत पतला है, मैं ही दिख रही हूँ इसके अंदर से. और फिर इसको मैंने निकाला तो वार्डरोब से, मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ करा जा सकता है. ये मैं एक साइड में रखूँगी, क्योंकि इसके बाद में मैंने अपनी बेड पर एक कंबल देखा जो कि ये है, जिसमें बहुत प्रिटी सा प्रिंट बना हुआ है. तो इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ बैकड्रॉप फर्स्ट ऑफ ऑल. और हाँ, यूज़ करने के बाद मैं इसको धोऊंगी ज़रूर, बिकॉज क्लीनलीनेस इज मस्ट. तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी तो एट प्रेजेंट फॉर द बैकड्रॉप. यहाँ पे साइड साइड में मैंने स्टिकिंग टेप लगा दी है. ओरे बाबा, ये लीफ बहुत ही लंबा रहता है भाई, रूफ को भी पार कर जाएगा पाम ट्री का. और इसको फिक्स मैंने ऐसे किया है, जो बैक रेस्ट सीट रहती है चेयर की और हैंड रेस्ट जो रहता है उसके बीच में से इसको मैंने फ़िक्स करा है. बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है. मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मैं इसका सोल्यूशन फिक्स कर दूँगी, कहाँ से मिलेगा. सो यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सेटअप रेडी हो गया. थोड़ा सा और फिनिशिंग की ज़रूरत है. So here is my look, guys. I'm so happy with this look. Eyelashes भी लगाए हैं मैंने और थोड़ा पिंकी वाला लुक क्रिएट करा है. आई होप दैट यू आर ऑल्सो लाइकिंग दिस लुक. और थोड़ा ग्लिटर विटर ज़्यादा डाला हुआ है. हाँ जी आओ,
तो यस, ओनली थिंग लेफ्ट इज मैं थोड़े से बालों को और गीला करूँगी, क्योंकि मेकअप करते वक्त ये फिर से सूख गए हैं और ये मेरा नेचुरल टेक्सचर है, मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कुछ कर्ल करे हो कि नहीं, मैंने कर्ल नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ और फिर ये ऐसे ही रहते हैं जिस दिन मैं बाल धोती हूँ. टेकन द स्प्रे बॉटल, एक्चुअली इसमें लेमन ग्रास कुकुम्बर मिंट वाला टोनर था जो कि ख़त्म हो गया था. मैंने इसमें पानी और गुलाब जल भर लिया है और इससे मैं जगह जगह पे मिस्ट क्रिएट करूँगी. लुक इज लाइक दिस, लाइक एवरीवेयर वो ग्रीन 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 और फ्लावर कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे मैं फ्लावर हूँ. तो एक शॉट तो हो गया है और अभी मुझे कॉस्ट्यूम फिर से चेंज करना पड़ेगा दूसरे फ्लावर बनने के लिए. सो यस, लेट्स गेट इनटू अनदर कॉस्ट्यूम. मेकअप भी मुझे डिफरेंट करना पड़ेगा और इतना मैंने स्प्रे करा है ना खुद के ऊपर कि मुझे खुशबू 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 लग रही है हर तरफ, क्योंकि उसमें गुलाब जल भी डला था स्प्रे के अंदर. और दूसरी चीज़, बाल बहुत सॉफ्ट हो गए गुलाब जल से. यस, दैट्स अ टिप फॉर यू. अभी एक शूट हो गया है और दूसरे के लिए मैंने लिपस्टिक तो हटा ली है, अब कौन पूरा बेस मेकअप फिर से करेगा. तो मैंने क्या किया है, एक सेल्फ टेप लिया है और इसी से ना जो भी एक्स्ट्रा जो पिंकिश ग्लिटर था ना वो हटा दिया है. बस उसको आप ऐसे से टैप टैप करो. अब इसी के ऊपर मैं गोल्डन ग्लिटर लगाने वाली हूँ. इतना बेस मेकअप करा है, क्यों फाउंडेशन फिर से खराब करना ना. सो यस, अब थोड़ा सा ग्लिटर ऑन मार दो क्या, ऐसा लग रहा है मुझे. ओके आई विल कम. नहीं रड़त नहीं है, रड़त नहीं है. अब वो इतना कर करके ना ऑटोमेटिकली पानी आ गया है आंखों में से. ओके, दिस वॉज द थर्ड लुक दैट आई हैड क्रिएटेड. Let me get into the light. Okay, this is another flower. Flower bani thi main. So it's a pack-up time now. So, ab main apne baal baandh leti hu. Aaj to nahi nahaungi, aise hi soungi. Kya nahana? Baal geele to hain. So I hope ki aap logon ko ye wala video aur ye BTS kaafi pasand aaya tha. अब मैं मेकअप उतारती हूँ और आप लोग तब तक इन्जॉय करो जो अल्टीमेट फोटोग्राफ्स हैं उनको. और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे इससे बेस्ड रील्स हैं, उसको ज़रूर देखना, फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम में. So that is it for today's behind the scenes video. कैसा लगा ये वाला वीडियो, कौन सा आपको फ्लावर वाला लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट डाउन ज़रूर कर देना. मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स ज़रूर देखना, वहाँ पे भी आप कमेंट करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा अगर वीडियोस पसंद आए तो. मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर.